तमाम बड़े बड़े लोग, पर तमाम बड़े बड़े नेता आप लोग भी उनको ला रहे हैं, तमाम ऐसे नामों को लेके आ रहे हैं, कोई शास्त्री ला रहा है, कोई गांधी ला रहा है, कोई, तो इस तरीके के नाम से क्या आपको लगता है कि ये जरूरी है आपको लाना, या ये है कि आपकी राजनीतिक मजबूरी है? इस देश के सारे अच्छे लोग इकट्ठे हों, यही तो अच्छी राजनीति है और क्या है। अगर अच्छे अच्छे लोग सारे देश से इकट्ठे होंगे सारे लोग, तो ये बहुत बड़ी ताकत बनेगी। यही तो अच्छी राजनीति है, इसको मजबूरी कह लीजिए। हाँ मजबूरी है, हम इस देश के सारे अच्छे लोगों को नहीं इकट्ठे नहीं नहीं करें। लेकिन आपको वो भी, आपको सब जो मार्केटेड नाम है वैसे लोगों की जरूरत पड़ रही है इलेक्शन में? नहीं मार्केटेड क्या, अगर बड़े लोग आते हैं जो आज तक राजनीति में कभी आते ही नहीं थे, पहली बार राजनीति में कूद रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद दिखाई दे रही है, तो इसमें तो खुशी होनी चाहिए देश को। फिर वो आम आदमी का क्या, जिनको ये लोग आम नहीं है नहीं, खास हैं, कैसे? खास हो गए तब तो आप उनको बुला बुला के टिकट दे रहे हैं। इतने खास लोगों को बुला रहे हैं तो कुछ तो रीजन होगा। आपके हिसाब से आम आदमी मेरे कौन है? मेरे मैं तो आम आदमी पार्टी की नेता हूं, नहीं मैं तो आपसे चलो ये मैं बता सवाल पूछ देता, रही हूं। मैं बता देता। हमारे हिसाब से आम आदमी वो है जो इस देश की व्यवस्था से त्रस्त है और इस देश के अंदर ईमानदार राजनीति कायम करना चाहता है, और खास आदमी वो है जो आज इस देश की व्यवस्था से खुश है और इस देश की व्यवस्था का दुरुपयोग करके अपने लिए फ़ायदा पहुंचा रहा है और व्यवस्था बदलना नहीं चाहता। ये आम आदमी और खास आदमी में फ़र्क है। जितने लोगों को हम ला रहे हैं वो इस देश की व्यवस्था को बदल के ईमानदार राजनीति कायम करना चाहते हैं, इसलिए वो आम आदमी है। ये बड़ा आपको लगता नहीं कि कुछ ज्यादा ही फिलोसॉफिकल डेफिनेशन है यही आपका? सही डेफिनेशन है, ये यही बड़ा सही। बड़ा फिलोसॉफिकल डेफिनेशन है। कैसे? इससे ये डेफिनेशन आखिर आपको कहाँ ले जाएगा? हमें थोड़ी कहीं जाना, इस देश को आगे ले जाएगा, व्यवस्था बदलेगा, इस देश के सारे आम लोगों को इकट्ठा करके व्यवस्था बदलेगा, देश को आगे ले जाना है।